हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता किन्नू लाइफस्टाइल। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपके साथ फिर से एक बार अमेज़ॉन कुर्ती हॉल शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और सबको ज़रूरत पड़ेगी समर कुर्ती की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अमेज़ॉन से ये कुर्ती लेती हूँ, और अगर अच्छी निकलती है तो आपके साथ भी शेयर करूँगी, और नहीं निकलती है तो भी, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है नॉन स्पॉन्सर्ड है, जेन्युइन रिव्यू होगा, कोई ब्रांड ने मुझे नहीं भेजा, मेरे खुद के पैसों के ये कुर्ते हैं सारे। तो जैसा होगा अच्छा होगा, तो अच्छा नहीं हुआ, खराब हुआ तो खराब। तो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ी लिया, इस बार मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। कुछ कुर्तीज ऐसी आई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब निकली हैं। तो मैं वीडियो में आके दिखाऊंगी क्या प्रॉब्लम आई है, क्यों मैं अमेज़ॉन से इतनी ज़्यादा खफा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और कौन कौन सी कुर्तीज़ मैंने मंगाई हैं, किस क्वालिटी क्या है, क्या प्राइस रेंज है, सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मेरी लेटेस्ट रील्स देखने को मिलती हैं, साथ ही मेरी सारी जितनी भी अपडेट्स होती है सबसे पहले वहीं आती हैं। और आप मुझे फेसबुक पेज पे भी मेरे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सेम यही वीडियोज़ आपको वहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी कुर्तीज़ हैं और क्या क्या प्राइस रेंज है, क्या क्वालिटी है, और इस बार मैं क्यों खपा हूँ अमेज़ॉन से। तो सबसे पहली कुर्ती जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है समर कुर्ती, कॉटन में है, और इसका जो कलर है वो भी समर्स के हिसाब से, क्योंकि वाइट कुर्ती है उस पर रेड प्रिंट है। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कैसी कुर्ती है, और ये पूरा सेट है, कुर्ती सेट, इसमें दुपट्टा भी है, इसमें प्लाजो भी है और कुर्ती है। अगर आप वाइट या लाइट कलर पहनने के शौकीन हैं तो इस तरह की कुर्ती आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगी मुझे, और मैंने इसे ऑलरेडी खोल के देख लिया है। पहली कुर्ती मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह की वाइट कुर्ती है और प्योर कॉटन में है, बहुत ही पसंद आई मुझे। मैं इसको पूरा आपको दिखाती हूँ किस तरह की कुर्ती है, फ्रॉक स्टाइल में ये कुर्ती है और इस पूरे वाइट कलर की कुर्ती है, और इस तरह के इस पे डिजाइन बने हुए, प्रिंट है पूरे पे, कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है। बट ये कुर्ती प्राइस रेंज में बहुत अच्छी है, और इसका ब्रांड नेम अगर मैं बताऊँ तो मीरा की तरफ से है ये कुर्ती, और इस पे यहाँ पे इस तरह से अंगरखा डिज़ाइन हुआ है और गोटा पट्टी वर्क दिया हुआ है, जो कि इसको बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश बना रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं गला बहुत सुंदर है, और क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस रेंज भी, प्राइस रेंज के हिसाब से ये कुर्ती मुझे बहुत पसंद आई। फ्रॉक स्टाइल है और इस तरह से बाजू पे भी गोटा पट्टी का वर्क दिया हुआ है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। हल्का हल्का प्रिंट है, क्योंकि गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं, इसमें गर्मी कम लगती है लाइट कलर के कपड़ों में, तो बहुत लोग पसंद करते हैं, मुझे भी लाइट कलर के कपड़े पहनना बहुत पसंद है गर्मियों में, तो इसलिए मैंने ये वाइट कुर्ती मंगाई है। तो जिन लोगों को भी ये इस तरह के कपड़े पहनना पसंद है तो मैं कहूँगी कि ये कुर्ती मुझे पसंद आई, और इसमें कोई भी डिफेक्ट या कोई भी खराबी नहीं थी, और इस तरह की डोरी दी हुई है आगे, ये देखिए इस तरह की डोरी दी हुई है बांधने के लिए, क्योंकि अंगरखा डिज़ाइन है तो इस तरह से साइड डोरी इसमें दी हुई है, जो कि बहुत ही स्टाइलिश लग रही है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये पहनने पे कैसी लग रही है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको इसे पहन के दिखाऊंगी किस तरह का लुक आ रहा है। प्लाजो की, तो प्लाजो भी सेम प्रिंट वाला है इसमें, मतलब प्रिंट का जो डिज़ाइन है ना वो थोड़ा अलग है, बट सेम ही लग रहा है देखने में, डिज़ाइन थोड़ा अलग है, प्रिंट सेम है। तो ये भी वाइट कलर का है, इस तरह से पूरा प्रिंट है इसके अंदर, और ये प्लाजो है, ये देखिए इसकी विड्थ इतनी है, चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लोग नहीं पहनते ज़्यादा, ये थोड़ा सा पैंट स्टाइल में हो गया, तो बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, बट कपड़ा काफ़ी कंफर्टेबल है और मुझे बहुत पसंद आया, और इलास्टिक बैंड दिया हुआ है तो कोई आपको इसमें नाड़ा वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। इटविट कॉटन का दुपट्टा दिया हुआ है, कैरी करने में बहुत ही आसानी रहेगी, क्योंकि बहुत गर्मियों में ना बहुत हैवी दुपट्टे नहीं ले जाते, मुझे तो गले में रैशेस भी हो जाते हैं कई बार हैवी दुपट्टा लेने से, संभालने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसे आप, ये देखिए इस तरह का दुपट्टा है और काफ़ी चौड़ा है, चौड़ाई बहुत अच्छी दी हुई है, ये देखिए कितना चौड़ा है। अगर आप ना सर पर पल्ला भी रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुपट्टा रखते हैं अगर अपने सर पर तो भी आप इसे आसानी से रख सकते हैं, और क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकदम लाइट वेट, एकदम बहुत अच्छा, एकदम प्योर कॉटन वाला पूरा जो सेट है वो है, और मुझे बहुत पसंद आया। आते हैं सेकंड पे, तो सेकंड यहाँ पे सिर्फ कुर्ता है, इसमें कोई प्लाजो वगैरह नहीं है, इसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ।
ये है इस तरह का पूरा, ये इसे आप मरून सा कुछ कलर है, मरून और पर्पल का थोड़ा सा बीच का कलर है, वाइन शेड है, वाइन कह सकते हैं आप, वाइन शेड है। तो पूरा फ्रॉक स्टाइल में है इस तरह से, ये देखिए देख रहे हैं पूरा फ्रॉक स्टाइल में है। हल्का हल्का सिल्वर फॉइल का वर्क है पूरे में, देखने में दूर से बहुत सुंदर लगने वाला है। और पूरे नेक पीस के सिल्वर जरी का काम है, ये देखिए बिल्कुल बारीक, तो पूरा जरी का काम हो रहा है जो कि बहुत सुंदर बना रहा है इस कुर्ते को, तो काफी स्टाइलिश लग रहा है। सेम बाजू पे भी इस तरह का काम दिया हुआ है। और कपड़े की बात करूँ तो कॉटन है, क्योंकि गर्मियाँ हैं इसलिए मैंने सारे कॉटन की कुर्तीज मंगाई हैं, और जो कि कंफर्टेबल होती है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर बाजू, और काफ़ी अच्छा नेक है इसका, कपड़ा भी अच्छा है, कपड़े की क्वालिटी अच्छी है। पूरे में इस तरह का सिल्वर फॉइल प्रिंट का काम है पूरे में, आगे से पीछे तक। ये देखिए कुर्ते पे जो मैंने मंगाया है, और ये रहा ये कुर्ता जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मैंने जब इसे देखा तो इसका स्टाइल बहुत अच्छा है, ये देखिए काफ़ी अच्छा, ये भी फ्रॉक से स्टाइल है बट डिफरेंट है। और इस तरह का प्रिंट दिया हो गया है नेक पे, और पूरा प्रिंट है, यहाँ पे कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, दूर से देखने में आपको लग रही होगी। और ये प्योर कॉटन नहीं है, थोड़ा सा मिक्स है, रेयन टाइप कुछ मिक्स हल्का सा कपड़ा है। इस तरह की बाजू दी हुई है, ये देखिए गोटा पट्टी वर्क दिया हुआ है, और ये डोरी दी हुई है बाजू पे, बेल स्लीव्स दी हुई है, ये देखिए इस तरह की। और पूरा कुर्ता मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर तक, नीचे इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ है ब्लैक कलर का, फ्रॉक स्टाइल में है ये पूरा। कहूंगी कुर्ते की क्वालिटी सब कुछ अच्छा है, बट एक चीज मुझे इसकी नहीं पसंद आई, जो आप प्रिंट देख रहे हैं ना, ये प्रिंट बहुत हल्का दिया हुआ है, ऐसा लग रहा है मिट रहा है, ये अभी से नए पे मिटा हुआ सा लग रहा है। जब इसे हम वॉश करेंगे तो ये एक ही बार में धुल जाएगा, क्योंकि बिल्कुल अभी इतना फीका फीका सा दिया हुआ है, ऐसा लग रहा है ना फेड हो रहा है, तो इस तरह का लग रहा है। इसलिए मैं ये कुर्ती मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी, मुझे इसलिए नहीं पसंद आई, बाकी वैसे कुर्ती बहुत अच्छी थी, बट ये प्रिंट अगर निकल जाता है तो फिर ये कुर्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अभी से प्रिंट इतना हल्का है। अमेजोन थोड़ा सा ध्यान दो अपने कस्टमर पे कि किस तरह की वो रिसीव कर रहे हैं, अगर इस तरह की क्वालिटी आप भेजेंगे तो मुझे नहीं लगता आप अपना कस्टमर खराब कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो वहां से दोबारा परचेज करेंगे। तो अब बारी आती है लास्ट कुर्ते की, और ये कैसा कुर्ता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है लास्ट कुर्ता जो कि मैंने येल्लो कलर का मंगाया था, ताकि मैं इसे किसी की भी हल्दी फंक्शन में पहन सकूँ, बट इसमें आ गई बहुत सारी शिकायत। तो पहले मैं आपको कुर्ता दिखा देती हूँ किस तरह का कुर्ता है, अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं। वैसे देखिए इस तरह का कुर्ता है, इसमें पूरा जो फॉयल प्रिंट का काम है गले के पास, ये देखिए इस तरह से बटन लगे हुए हैं पिंक कलर के, और काफी सुंदर कुर्ता है रेयन में, ये देखिए इस तरह का कुर्ता है। और नीचे से भी काफी अच्छा फॉयल प्रिंट का काम हुआ है, क्वालिटी बहुत अच्छी है कुर्ते की, ये देखिए पूरे में नीचे वर्क है, तो आप इसे किसी की भी हल्दी फंक्शन में पहन सकते हैं, बहुत ही सुंदर कुर्ता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए क्वालिटी कपड़े की बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है कुर्ता और दुपट्टा सेट, तो मैं इसका दुपट्टा आपको दिखाती हूँ दुपट्टा कैसा है। तो ये है इसका दुपट्टा जिसपे इस तरह का फॉयल प्रिंट का काम है गोल्डन, तो ज़्यादा कुछ खास मुझे काम लगा नहीं, ठीक है वैसे दुपट्टे के हिसाब से, बट इसमें जो एक बहुत बड़ी कमी है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर इतना बड़ा दाग निकला है, ये देखिए देख रहे हैं, इस तरह की क्वालिटी अमेजोन ने दी है मुझे, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे बिल्कुल भी इस बार की, मतलब मैंने चार कुर्ते मंगाए थे, सिर्फ मुझे दो पसंद आए, दो मुझे ख़राब लगे, मैंने आपको बता ही दिया क्या प्रॉब्लम है, इतना बड़ा दाग लगा हुआ है। कम से कम आप किसी अपने कस्टमर को प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो उससे पहले आप चेक कर लीजिए कि क्वालिटी सही है या नहीं। अब बहुत बार क्या होता है, हमने किसी फंक्शन में जाना है, किसी के घर जाना है, इसलिए हमने ऑर्डर किया वो ड्रेस पहनने के लिए, अब क्या होता है जब हमें प्रोडक्ट रिसीव हुआ तो इस तरह की उसमें प्रॉब्लम आ गई, अब उसको रिटर्न करो,
फिर दोबारा दूसरा लो और फिर उसे मंगाओ, तो इसमें हमारा जो टाइम होता है ना वो बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता है। और जो फंक्शन होता है ना वो इस टाइम के बीच में वो फंक्शन निकल जाता है और हमें दूसरे कपड़े पहनने पड़ते हैं मजबूरी में, क्योंकि जो ड्रेस होती है हमने ऑर्डर की होती है वो हमें टाइम टू टाइम रिसीव नहीं होती है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। वैसे अमेजोन पे इजी रिटर्न्स होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी। अगर आप कस्टमर को भेज रहे हो प्रोडक्ट, तो पहले चेक कर लीजिए कि क्या ये प्रोडक्ट सही है। कि ये प्रोडक्ट्स सिर्फ दो कुर्ते पसंद आए, दो में दिक्कत थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे नहीं पसंद आया। अगर इस तरह के आप ऑनेस्ट रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं इस तरह के और भी हॉल वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी अपने ऑनेस्ट रिव्यू के साथ। तो फिलहाल देख लेते हैं ये कुर्तीज पहनने पे कैसी लग रही है।